हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फिटनेस एंड ट्रैवल। होप यू गाइस आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और हम निकल रहे हैं कसौली, और कसौली जा रहे हैं हम इस होंडा सिटी पे। मेरा एक बहुत पुराना फ्रेंड है, मतलब हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से साथ में पढ़ते हैं, तो आज वो भी ब्लॉग में आएगा। तो हम जा रहे हैं कसौली। ये आ गया, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हाय, दिस साइड योगेश। ये योगेश चड्डीपट्टी, बचपन का दोस्त। कितने साल हो गए? 30 ईयर्स हो गए हमारी दोस्ती को। 28-30 ईयर्स। हाँ, तो चलो अभी सीधा गाड़ी में मिलते हैं, बहुत लेट हो गए। हाय, हम जा रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। आ जाए। अच्छा अच्छा, तो हैप्पी बर्थडे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जी। और अभी हम निकल रहे हैं, हमको प्लान था हमारा हम 5 बजे निकल जाएंगे, लेकिन अभी बहुत लेट हो गया, साथ में बच्चे हैं और हम एक ही कार में जा रहे हैं। तो यहाँ से 7 घंटे का रास्ता है, तो 7 घंटे का रास्ता है तो 8-8.5 घंटे लगने ही वाले हैं, क्योंकि बच्चे साथ में तो रुकना पड़ेगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करें सीधा रोड पर मिलते हैं। सो देखो क्या लग रही है यार, ये न्यू ब्रांड होंडा सिटी है, मुश्किल से ये 1-1.5 महीना ही हुआ है इसको लिए हुए। सो सोचा कि इसी पर चलते हैं, इसको आज इन्जॉय करते हैं। और मैंने अपनी गाड़ी वहाँ कहीं पार्क कर दिया, अगर आपको दिख रही हो तो। आई एम सो एक्साइटेड, बहुत मज़ा आने वाला है। मैं अपने फ्रेंड के साथ बहुत टाइम बाद, पता नहीं कब लास्ट टाइम घूमने गया था, क्योंकि सब अब बड़े हो गए हैं, सब अपने कामों में बिजी रहते हैं। मुझे नहीं पता हम स्कूल पिकनिक के बाद भी कहीं गए थे कि नहीं गए थे आज तक। तो चलो चलते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, अच्छे अच्छे शॉट्स दिखाएंगे। और कसौली जहाँ पे हम जा रहे हैं, एक मिनट, मैं पहले डर गया थोड़ा सा, वहाँ पे मंकी। सो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे जो हमने बुकिंग कराई है रिजॉर्ट की, वो बहुत अच्छा रिजॉर्ट है, रिव्यूज़ तो ठीक ठाक थे, वही जाके पता चलेगा। तो चलो सीधा रोड पे मिलते हैं। ये देखो ये बच्चा पार्टी हमारे साथ जा रही है। आपका नाम क्या है बच्चे? आपका नाम? आपका नाम शिवन्या। तो ये सारी शैतान पार्टी हम लोगों के साथ जा रही है, अयांश, नव्या एंड शिवन्या। आप भी हेलो बोल दो। ये मेरे फ्रेंड योगेश की वाइफ मेघा। बहुत दूर जाना है अभी हमें और हम बहुत लेट हो गए हैं। ये ऑडियंस पीछे बैठी है। तो देखो इन भाई साहब ने हेलमेट कैसा पहन रखा है। प्रेरणा तुम भी ले लो ऐसा हेलमेट। फाइनली कसौली पहुंच गए और ये कसौली के पहाड़। योगेश बहुत जल्दी आ गए हम तो यार, 1 घंटे में ये दिल्ली बॉर्डर पार कर दी। मजाक कर रहे थे हम, अभी हम दिल्ली क्रॉस कर रहे हैं बस। सो वी हैव कवर्ड 185 किलोमीटर्स और अभी 117 किलोमीटर और जाना है, फिर वहाँ से हमें शायद कोई पिक करने आएगा। 117 किलोमीटर पे हम लंच करेंगे वहाँ रुक के, और उसके बाद फिर हमें आगे बढ़ना है। तो अभी अंबाला आने वाला है। कसौली बहुत दूर है। नव्या बहुत दूर है ना बेटा कसौली? 13 मिनट्स बेटा, बहुत दूर है अभी, 13 मिनट्स नहीं है। तो अभी हम चंडीगढ़ भी नहीं पहुंचे और इतना ट्रैफिक। योगेश कैसे एक्सपीरियंस आज, इतने जाम में फंस गए आज? आज बहुत ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। बच्चों को देखो नीचे का पिकनिक बना रखा है, देखो ये देखो नीचे बैठे हुए हैं, इनकी मम्मी ने इनको नीचे फेंक दिया बच्चों को। डन। मेगा कब पहुंचेंगे? पहुंच ही जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे। अब निकले हैं तो पहुंच जाएंगे। सो फाइनली बहुत लंबी ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट कसौली के पास, और हम लंच करने आए हैं ज्ञानी का ढाबा। ये हमने ऑनलाइन सर्च किया था, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, यहाँ का चिकन बहुत अच्छा है,
तो सोचा इतनी दूर आए हैं तो यहाँ के खाने का स्वाद का लुफ्त उठाया जाए। तो दोस्तों हमने अभी लंच कर लिया है। योगेश कैसा खाना था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चिकन, बहुत बढ़िया मेथी चिकन। हमने ऑर्डर किया था लेमन चिकन और मेथी चिकन और इसकी ही तारीफ सुन के हम इधर आए थे और खाना अमेजिंग, मतलब पेट भर गया था। उसके बाद भी मन कर रहा था कि खाए जाओ खाए जाओ। ज्ञानी दा होटल, ज्ञानी दा होटल, ज्ञानी दा ढाबा। कैसा लगा आपको खाना मेघा प्रेरणा? मेघा यूजुअली नॉनवेज अवॉइड करती है, बट आज मेघा ने भी नॉनवेज खाया था, उसका मतलब नॉनवेज अच्छा था आज। तो चलो बस हम पहुंचने वाले हैं नेक्स्ट 30 मिनट्स में, फिर मिलते हैं सीधा रिजॉर्ट पे। तो दोस्तों हाईवे से अब हम उतर गए हैं और ये जहाँ पे हमारा रिजॉर्ट है बिल्कुल आइसोलेट जगह है वो। तो रास्ता देखो कितना खूबसूरत है, कभी रोड ठीक है कभी ख़राब है, लेकिन अभी अच्छी चल रही है। योगेश कैसा मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा एक्सपीरियंस है। योगेश की नई होंडा सिटी अच्छी सी नई जगह पे आ गई, नई लोकेशन पे आज इसकी गाड़ी भी एंजॉय कर रही होगी। कहाँ फरीदाबाद के ट्रैफिक में लेके घूमता रहता है, आज पहाड़ों में आ गया। तो फाइनली हम पहुँच गए पाइन वैली रिजॉर्ट और वो रही हमारी कार। यहाँ से हमें ऊपर आना है, बहुत मज़ा आया। थोड़ी सी लंबी ड्राइव हो गई, बच्चे थे साथ में रुकते रुकाते आए। और ये गाड़ी सुपर कंफर्टेबल कार है यार ये, बाय। और ये जगह देखो बिल्कुल रिमोट एरिया है, जहाँ पे हमने खाना खाया था वहाँ से हमें आधा घंटा लग गया यहाँ पे आने में, लेकिन बिल्कुल रिमोट एरिया है। यहाँ पे आसपास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही रिजॉर्ट है। रिजॉर्ट यहाँ पे आपको अगर देख पा रहे हैं तो ऊपर है। बस हम ऊपर चलते हैं, अपने रूम में चलते हैं, देखते हैं कैसा है। सो गाइस दिस इज़ अ प्लेस, बच्चे अपने प्ले एरिया में खेल रहे हैं और यहाँ पे ऐसा कुछ है। वहाँ पे आई थिंक किचन एरिया है, योगेश और मेघा का वो वाला रूम है और हमारा रूम है ये वाला। मैं आपको इसका टूर देता हूँ। इट्स अ वेरी नाइस स्मॉल स्वीट कोजी सा रूम, ये देखो कितना अच्छा है, छोटा सा रूम है, ठीक है। ये बेड हो गया, देखने में कंफर्टेबल लग रहा है। एंड दिस इज अ वॉशरूम, ठीक है छोटा सा। और बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, बाहर का भी देखो कितना अच्छा नज़ारा है। पहले हमको वाला कॉटेज दिया गया था बट हमने वो नहीं लिया क्योंकि उसमें ना वॉशरूम एक है बस और हम लोग हैं ज़्यादा। और दिस इज़ अ व्यू पहाड़ों पे एकदम रिमोट एरिया में, ये देखो। तो दोस्तों इतनी दूर ड्राइव करके आए, पूरा वर्थ इट है। बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे, रात को तो इवन दिखा रहा है कि 14-15 डिग्रीज तक टेम्परेचर जा सकता है और बारिश होने के चांसेस में है। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हमें यही चाहिए था। अब यहाँ पे हम बैठ के चिल करेंगे और इस प्रॉपर्टी पे बहुत ज़्यादा कॉटेजेस नहीं है, आई गेस 4-5 है, उसमें से 3 ही ऑक्यूपाई हैं, 2 हमारे पास हैं, 1 और किसी के पास है। और अब नज़ारा देखो कितना अच्छा नज़ारा है, बिल्कुल रिमोट एरिया है, आई थिंक ये किसी जंगल के बीच में बना हुआ है, कोई विलेज है, मुझे विलेज का नाम नहीं पता। और ये कसौली में पड़ता है कहीं पे, इसका नाम है पाइन वैली रिजॉर्ट। अगर आपको आना है तो आप कहीं पे भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं और आप इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। तो चलो अभी थोड़ा फ्रेश हो जाएं, बच्चे तो अपने कपड़े चेंज कर नहीं रहे, हम लोग अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं, सुबह से निकले हुए हैं, मुँह हाथ धोते हैं, फिर आपसे फ्रेश होकर मिलते हैं बाबू भैया बन के। दोस्तों हम फाइनली रेडी हो गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेश होके, नहाए धोए नहीं है, मुँह हाथ धो लिया है। मैं नहाई थी सुबह, मैं नहीं नहाया, मैं कल रात को नहाया था। तो चलो अभी बाहर चलते हैं, रेडी फिर ना? यस। चलो अब रूम से बाहर चलते हैं, सारे लोग रूम से बाहर आ गए और हम हो गए लेट, जल्दी करो प्रेरणा। बच्चे पहले रेडी होके चले गए थे, बच्चे कर रहे हैं मजे और कुछ यहाँ पे रील्स उतारी जा रही है। हेलो अयांज, हेलो, ये देखो नव्या, योगेश, शिबू और ये जो वेदर है। दोस्तों मैंने अभी नया दोस्त बनाया अपना यहाँ पे, ये देखो बहुत लेजी कैट है, यहीं से बैठी हुई है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कोई बैठा है। जा रहे हो शिवू बाबू आप? मैं जा रही हूं कैटी के पास। कैटी को मैगी खिलाने जा रहे हो? कैटी मैगी खाती है? कहां है कैटी, मुझे तो दिख नहीं रही, उसकी पूंछ दिख रही। ओह वो बैठी कैटी, शिवू नहीं नहीं काट लेगी तो। दोस्तों इस टाइम चल रही है हमारी पार्टी,
और ऐसे मॉल में आप समझ लो कैसी ही पार्टी होगी। और हमें यहाँ पे बोला गया है कि आप 6:30 बजे तक डिनर का ऑर्डर दे देना, क्योंकि ये लोग यहीं पे प्रिपेयर करते हैं, जो भी हम ऑर्डर देंगे ये फ्रेश प्रिपेयर किया जाता है यहाँ पे। तो बहुत मज़ा आ रहा है, आप भी ज़रूर आइए। तो देखो अंधेरा हो गया है और इनको देखो अभी तक बचपना छाया हुआ है, लेकिन पेड़ा अच्छी जगह है ना, मजा आ रहा है यार। मैं अभी आता हूँ। और तो दोस्तों देखो इस टाइम बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है जोर जोर से लड़ लड़ के, और यहाँ का नजारा देखो यार। मतलब आई नो आईफोन से वीडियो शूट कर रहा हूँ, जस्टिस नहीं करेगा, लेकिन जो मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ इट्स अमेजिंग। और वेदर बहुत अच्छा है, और आई विल स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि आप यहाँ पे आओ, पाइन वैली रिजॉर्ट पे जरूर आओ, वेरी ब्यूटीफुल। मैं आपको पहले बता दूँ पेट प्रमोशन नहीं है, अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं कि हमें पेट प्रमोशन मिल पाए। ये देखो ऐसा सीन है यहाँ पे। और अगर आप कसौली का प्लान कर रहे हो इंस्टेड ऑफ शिमला तो आप यहाँ ज़रूर आ सकते हो। यहाँ पे इनका किचन है और खाना बहुत अमेजिंग है इनका जो हमने खाया अभी, बट हमारा मेन कोर्स अभी बाकी है। जो हमने खाया वो तो हमें बहुत पसंद आया। हमारा सोने का टाइम हुआ था और ये देखो हमारे रूम में एक फ्रेंड आ गई स्पाइडरमैन। ये स्पाइडरमैन, इतना बड़ा स्पाइडर मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है अगला दिन और बहुत प्यारा दिन है। प्यारा दिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप पहले मौसम देखो। लुक एट द वेदर। ये कैसी आवाज थी? सीरियसली यार ये देखो बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा मौसम हो रहा है, क्या सीन है यार। तो दोस्तों देखो मैं अभी व्लॉग करने आया हूं, तो देखो मेरा छोटा बेटा इतनी जल्दी उठ जाता है ये सुबह सुबह, है ना, आपको नींद नहीं आती इतनी जल्दी जल्दी। सुबह के 6 बजे हैं और मैं तो जस्ट उठ के अपने रूम से बाहर आया तो पीछे पीछे ये भी आ गई, जब मैं उठा था तो ये सो रही थी। गुंडा बच्चा। नवे मौसम कैसा हो रहा है? ठंड लग रही है? नहीं लग रही, मुझे तो लग रही है। फुल ठंडी पहन के चलने जा रही हूं। दोस्तों इस इंसेक्ट को देखो कितना वाहियात सा लग रहा है देखने में, पता नहीं कहां से आके टपक गया यहां पे हमारे रूम के बाहर। अरे ये लोग सो रहे होंगे मिनी के रूम के बाहर। मम्मा मम्मा गा गा हुल्लाला वो जो मेरे रूम में गा। कह दियो बस इतना। तो योगेश और मेघा भी उठ गए हैं। गुड मॉर्निंग। वेदर और अच्छा हो गया है, क्लाउड्स है ना बिल्कुल नीचे आ गए हैं देखो। वो देखो विजिबिलिटी, अभी मैंने वीडियो डाला था आपने पहले देखा होगा तो ज्यादा थी, अब कम हो गई, सारे क्लाउड्स यहाँ तक आते हैं और हमारी इस पाथ से नीचे जाएंगे तो कार हमारी वहीं पार्क है। तो दोस्तों बस अब चेकआउट करने का टाइम आ गया है, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, हमने खाए आलू के पराठे, चाय, पिकल, कर्ड, बहुत कुछ, और ऑमलेट वगैरह भी था। और चलो अब निकलने का टाइम हो गया और मौसम देखो कितना बदल गया है, काफ़ी ब्राइट सनी डे है और गर्मी नहीं लग रही बिल्कुल, अभी भी बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो चलो सीधा अब गाड़ी में मिलते हैं, कुछ हमारे शॉर्ट्स देखो जो हमने प्रेरणा और मैंने अभी मस्ती करी वो शॉर्ट्स देखो, और फिर सीधा गाड़ी में मिलते हैं, फिर मिलेंगे सीधा अम्बाला। तो अम्बाला में हम रुके थे मशहूर पूरन सिंह का जो ढाबा है, वहाँ पे खाना खाया, पेट भर के बहुत मज़ा आ गया। और यहाँ पे हमसे हमारा एक दोस्त मिलने आया जो हमारे साथ नीति वैली राइड पे गया था, राहुल। राहुल पहचान लिया होगा। हेलो। हम राइड पे गए थे नीति वैली और बहुत मज़ा आया, मिल गए थे टाइम बाद मिले, आगे फ्यूचर में कुछ प्लान करते हैं। और भाई ने अभी हार्ले डेविडसन ली है तो उसकी पार्टी भी मिल गई हमें यहाँ पे, जल्दी राइड करेंगे। हाँ, और हमारे पास है ये वानी द रॉकस्टार। वानी देखो, चलो कोई बात नहीं, बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करते। तो चलो अभी हमें काफ़ी दूर जाना है फरीदाबाद, यहाँ से हमें 4 या 5 घंटे और लग जाएंगे। सो दोस्तों ये देखो इस I-20 की नंबर प्लेट को, और ये जो आगे स्विफ्ट जा रही है इसकी नंबर प्लेट को, ये लोग क्या क्या करते हैं यार। दोस्तों बस हम पहुँचने वाले हैं, 14 किलोमीटर्स रह गए और बहुत इंजॉय किया, अभी बहुत थक गए हैं, अभी गाड़ी में सब सो रहे हैं। नव्या देखो प्रेरणा की गोदी में है, अयांश मेरी गोदी में है, योगेश को भी नींद आ रही है, बस अब जस्ट घर पहुंचते हैं जल्दी से और जल्दी से जाके सो जाते हैं।
सो आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो. आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल. ऐसे ही नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग में मिलते हैं. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.